नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और जानदार शानदार वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मेरी कैटेगरी के बारे में बात करने वाला हूँ कि मैं किस कैटेगरी में वो तो मुझे पता है कि मेरी टेक की कैटेगरी, पर टेक की कैटेगरी टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में भी काफी सारी ऐसी कैटेगरीज आ जाती है, जैसे कि यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोज बनाया हूँ उसके टिप्स और ट्रिक्स वाले वीडियोज, वो एक अलग चैनल हो गया। अनबॉक्सिंग रिव्यू वाला चैनल अलग हो गया। ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड बताना, ये सब चीजें अलग हो गया। एप्स वगैरह के बारे में बताना, ये सब चीजें अलग हो गया। टॉप 10 मोबाइल्स, टॉप 20 मोबाइल्स, ये सब बताना, ये अलग हो गया। टेक न्यूज देना, ये सब अलग हो गया। यूट्यूब के जो नए अपडेट है, ये सब अलग हो गया। ऐसी काफी सारी कैटेगरीज आ जाती है यूट्यूब के ऊपर टेक्नोलॉजी के फील्ड में। अब मैंने क्या सोचा है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये सब चीजों को मेरे एक ही चैनल पे दिखाऊं। ऐसा क्यों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता ही होगा कि सबसे ज्यादा क्रिएटर्स टेक फील्ड में, सबसे ज्यादा जो यूट्यूब के ऊपर चैनल है वो सबसे ज्यादा चैनल्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चैनल्स है। अब लोगों को क्या लगेगा कि भाई ये बंदा मेरे को टेक के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मेरे को यूट्यूब से रिलेटेड अपडेट के बारे में भी बता रहे कि कौन से नए नए अपडेट आए, प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग भी करता है, प्रोडक्ट्स के रिव्यूज भी डालता है, फोन्स के बारे में भी अपलोड करता है। यानी सब चीजें हमको सिर्फ एक ही चैनल पर मिल रही है। तो बंदा क्या सोचेगा सामने वाला कि नहीं भाई, हमें सिर्फ इसी को सब्सक्राइब करना चाहिए, हम क्यों पांच पांच छह चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हमारे चैनल के ऊपर, जब हमें सारी फैसिलिटी एक ही चैनल में मिल जाती है। ऐसे ही अगर आप एक कोई ऑनलाइन स्टोर देखे या कहीं पे भी देखे, वो सब मिक्स क्यों बेचते हैं, क्योंकि लोगों को बार बार अलग अलग ऐप डाउनलोड ना करने पड़े। बस वही सेम मैं यूट्यूब के ऊपर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है कि थोड़ा काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, मेरे 70 प्लस वीडियोस हो चुके हैं, पर धीरे धीरे ग्रोथ होगी। क्यों, क्योंकि मेरा मिक्स कॉन्टेंट है, टारगेटेड परफेक्ट ऑडियंस नहीं आएगी। अब किसी ऑडियंस को अनबॉक्सिंग में इंटरेस्ट होगा, किसी ऑडियंस को रिव्यूज देखने होंगे तो वो मेरे चैनल पर आएगा और देख सकता है। और अगर किसी को दूसरा YouTube से रिलेटेड वीडियो चाहिए, टिप्स और ट्रिक्स चाहिए, वो भी आ सकता है मेरे चैनल के ऊपर। दोनों के लिए बाकी टॉप 10 फोन्स, टॉप 20 फोन्स, ये सब भी मैं लाता रहूंगा आगे जाके, धीरे धीरे जैसे चैनल की ग्रोथ होगी। तो कैसा, अगर एक मिक्स कंटेंट रखते हैं तो बंदे को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता उसका कि हर चैनल को सब्सक्राइब करे, इसकी भी ये टेक का अलग चैनल सब्सक्राइब कर लिया, यूट्यूब से रिलेटेड अपडेट्स का अलग चैनल सब्सक्राइब कर लिया, ये सब चीज़ों के अलग अलग चैनल सब्सक्राइब कर लिए। इससे उसको प्रॉब्लम जाती है कि भाई वो बंदा, सोचिए अगर तीनों पाँचों यूट्यूबर्स ने एक ही दिन में सारी वीडियोस अपलोड कर दी तो उसके पास टाइम थोड़ी है सारे वीडियोस देखने का एक ही दिन में। तो वो क्या करेगा, सिर्फ एक ही ऐसे चैनल को चूज करेगा कि जिसमें उसको सारे चीज़ों के बारे में मिले। अब जैसे समझ लीजिए 1,00,000 सब्सक्राइबर्स हैं, उसमें से मैं कुछ कुछ डिवाइड कर लेता हूँ। कुछ को यूट्यूब से रिलेटेड अपडेट वाली वीडियो वाले सब्सक्राइबर होंगे, कुछ यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स वाले सब्सक्राइबर्स होंगे, कुछ टेक्नोलॉजी अनबॉक्सिंग रिव्यू से रिलेटेड सब्सक्राइबर्स होंगे, कोई टॉप 10 वाले सब्सक्राइबर्स होंगे। यानी जिसको जो पसंद है वो वीडियो आके देखेगा। जी, मैंने मेन अर्न करने के लिए चैनल नहीं खोला। अर्न तो देखो एक ना एक दिन मोनेटाइजेशन इनेबल होगा ही होगा, उसकी टेंशन है नहीं। मेन लोगों के पास एक अच्छा कंटेंट पहुंचना चाहिए। वो अगर हमारी वीडियो के ऊपर 5 मिनट दे रहे हैं, 10 मिनट दे रहे हैं, 15 मिनट भी दे रहे हैं, तो उनको एक अच्छा कंटेंट मिलना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि नहीं भाई, हमने अगर 5 मिनट इसकी वीडियो देख के हमारे 5 मिनट कंज्यूम किए तो हमने सही जगह किए, ना कि कोई बर्बाद जगह किए, ना कि हमने हमारा 5 से 10 मिनट वेस्ट किया है, ये नहीं लगना चाहिए। तो इसलिए मैंने मेरा आपको आज पूरा कंटेंट बता दिया। और कल या परसों तक मैं मेरे यूट्यूब की वीडियोस का शेड्यूल लेके आऊंगा कि 7 दिन में आपको कौन कौन से दिन कौन कौन से वीडियोस देखने मिलेगी। तो ये भी मैं आपको अगली वीडियो में मेरी बताई दूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, आप देखिए आपको कंटेंट के बारे में पूरा पता चल चुका है। अब सब्सक्राइब करना तो बनता है, झट से जाइए। वो लाल सा आग उबला होके बैठा है बटन, बहुत गंदे बैठा है। ये देखिए मेरे माइक का भी बटन लाल है, तो उसको भी लाल करके ग्रे कर दो। ये तो ग्रे नहीं हो सकता, उसको तो ग्रे कर ही सकते हो, ग्रे कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आखिरी में बस इतना ही, जय हिंद।